दोस्तों कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो कितनी भी मुश्किलें आए वो उस मंजिल को हासिल कर ही लेता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया जसवंत जी ने। आज हम हमारे साथ हैं जसवंत जी, बेसिकली राजस्थान में रहते हैं, तो आज इनसे मिलाएंगे और जानेंगे इनकी सफलता की कहानी कि कैसे इन्होंने जीरो से शुरू करके एक कंपनी बना दी। 3 से 4 लाख ये कमा लेते हैं महीने का, तो यहाँ तक इन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया इन्हीं से जानते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका वेलकम है आज के वीडियो में। नमस्कार जी। हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जसवंत सिंह है। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के, राजस्थान स्टेट के अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो नीमराणा तहसील है वहाँ ये प्लांट लगाया है मैंने। सर नीमराणा में? नीमराणा में सर। अच्छा, तो अभी आपने ये प्लांट लगाया, काम शुरू किया है, इससे आप कितना कमा लेते हैं लगभग? मैं इसे 4 से 5 लाख रुपए पर महीने कमा लेता हूँ। मतलब महीने का 4 से 5 लाख इनकम हो जाती है? 4 से 5 लाख रुपए इनकम अभी फिलहाल चल रही है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, तो आपको इस बिजनेस से पहले कुछ करते थे या ये बिजनेस कब से कर रहे हैं, या फिर ऐसे बताइए? इससे पहले मैं इंश्योरेंस का काम करता था, वहाँ को मेरे को बिल्कुल इनकम से संतुष्टि नहीं हुई, ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। हाँ, तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए ताकि अच्छी सी उपलब्धि मिले कुछ। तब मैंने सर्च किया, यूट्यूब पे भी सर्च किया, यहाँ वहाँ से भी कई जगह से वो किया, तो मेरे को यूट्यूब देखा, तो आपको इस बिजनेस के बारे में पता चला? इस बिजनेस के बारे में पता चला यूट्यूब पे। तो ये वाला जो आप बिजनेस अभी कर रहे हैं, तो इसमें आपको कितना टाइम हो गया करते करते? इसको सर मेरे को हो गए 2 वर्ष। 2 साल से कर रहे हैं? 2 साल से कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपके जो प्रोडक्ट हैं बनने के बाद, अभी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से इनके जो प्रोडक्ट हैं ये बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो प्रोडक्ट आप बनाते हो तो उनको बेचते कैसे हो? शुरू में आपने बेचना कैसे स्टार्ट किया? जब नया काम शुरू किया था तो कोई परेशानी आई या फिर इजीली बिक गया था, वो थोड़ा सा बताइए। परेशानी तो नहीं सर, थोड़ा मार्केटिंग में आती है स्टार्टिंग। हाँ। में सबसे पहले हमने रिटेल से स्टार्ट किया। अच्छा, छोटे दुकानदारों से धीरे धीरे बढ़ाते गए, बड़े डीलर मिले, फिर उससे बड़े मिले, फिर स्टेट से बाहर। मतलब शुरू में आप रिटेलर लोगों को टारगेट किया? सबसे पहले छोटे रिटेल जो थोड़े जो शॉप वाले होते हैं, छोटे दुकान वालों को टारगेट किया। आपने इस बिजनेस को शुरू करने के बाद इसको बेचना शुरू किया शुरू शुरू में, तो आपको बेचने में कोई दिक्कत आई या ऐसे ही इजीली बिक गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, दिक्कत तो नहीं आई सर, जैसे मार्केट में जो भी गए, जहाँ दुकानदारों के पास गए, और प्रोडक्ट भी थी कंपनियों के मार्केट में, उनकी तुलना की और उसके अपने प्रॉफिट के बारे में बताया कि भाई इसको लेने में आपको और ज्यादा प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। अच्छा, आपने कुछ रेट कम रखा होगा? कुछ रेट कम रखे हमने मार्केट से, जो अमाउंट कर सकते थे इतना किया, तो मार्केट में चल गया वो आइटम। अच्छा, धीमे धीमे डिमांड बढ़ने लगी? धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी, बाद में डीलर जुड़ने लगे, जो सप्लायर थे उनको पता लगा, तो वो धीरे धीरे जुड़ने लगे। अच्छा, अब आपके साथ डीलर जुड़ गए? डीलर भी जुड़े हुए हैं, बड़े सप्लायर भी हैं। मतलब आप सारा माल होलसेल में देते हो? होलसेल में जाता है सब। अच्छा, तो आपका माल कहाँ कहाँ जाता है? राजस्थान, ये हरियाणा जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। अच्छा, यूपी जा रहा है? यूपी जा रहा है। और लोकल में भी है, 50-100 किलोमीटर के अंदर एरिए में काफ़ी डीलर है। अच्छा, तो ये चीज़ें तो हमने जानी, बाकी की डिटेल भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले चल के देख लेते हैं कि आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ हमारे व्यूवर्स देखना चाहते हैं, तो उसको दिखाइए। जी बिल्कुल। ये इस मशीन का ऊपर है, इसके अंदर मक्का डलती है, ऑयल डलता है मिक्स होकर के, उसके बाद में इधर से नीचे आके इधर से ये पोला निकलता है, ये निकल रहा है, आप बोलिए, यहाँ से ये पोला निकल रहा है, यहाँ से आगे उधर जाता है कटर के पास, वहाँ कटिंग निश्चित है, जितना भी लिमिट का साइज का हो उस साइड से कटिंग कर देते हैं। ये इधर से पोला निकल रहा है, ये यहाँ कटर के पास पहुँच गया है, यहाँ से एक साइज का पोला, जितना भी अपने को लिमिट हो उतना साइज का अपन काट सकते हैं। साइज का आपको पोला चाहिए 8 इंची 10 इंची 9 इंची, जितना भी वो उसी हिसाब से अपन यहाँ कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में ये इसमें चला जाएगा यहाँ मसाला लगने के लिए, ये मसाले के लिए टैंक रखा हुआ है, इससे मसाला आता है नलकी द्वारा, ये कंप्रेसर से जुड़ा हुआ है, इससे वायर एयर जाता है, यहाँ मिक्स होकर के इसमें मसाला मिलता है। कटिंग होने के बाद में मसाला लगता है, मसाला लग के ये तैयार हो गया, इसको पैकिंग कर दिया जाता है पॉलिथीन के अंदर, ये ऐसे हो जाता है, फिर ये रेडी हो गया पैक हो करके। इसके अलावा और बहुत सारे आइटम निकलते हैं इसके, जो कि डाई होती है अलग अलग, रिंग की, स्टार, पफ वगैरह, जो जैसा निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं इनसे। ये पफ है, ये मशीन द्वारा पैक होता है, जो इसी सेटअप के अंदर है। ये बहुत सारे
अलग अलग आइटम हैं जो इसी मशीन से तैयार होते हैं। अभी पूरा पैक होकर के बिल्कुल मार्केट में जाने के लिए रेडी है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जब आप इस बिजनेस के बारे में ढूंढ रहे थे तो आपको मशीन के बारे में पता चल गया, आपने सोच लिया कि मुझे ये वाला बिजनेस करना है, तो इसके लिए मशीन वगैरह आपने कहाँ से ली? मैंने फरीदाबाद से ली सर। फरीदाबाद से? अनिज कुमार जी से। हाँ, ऑल ओवर पैकिंग। ऑल ओवर पैकेजिंग? हाँ, पैकेजिंग। अच्छा, तो वहाँ की जो मशीनें हैं वो सही से काम कर रही हैं? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास चलती है। और उनकी सर्विस वगैरह? सर्विस टॉप है बिल्कुल सर। अच्छी है, बढ़िया क्वालिटी की मशीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक 2 साल हो गए मेरे को, बढ़िया चलती है। दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू करने में जसवंत जी की हेल्प की, मशीन खरीदने से लेकर उनके यहाँ जो भी सर्विसिंग का काम है वो सारा कुछ, और वर्कर्स अरेंजमेंट कराना वो सब में जो हेल्प की, वो है अनुज कुमार जी। तो सर, आपका भी स्वागत है वीडियो में। तो थोड़ा सा बताइए आप अपनी कंपनी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार है और मेरी कंपनी फरीदाबाद हरियाणा में है, जिसका नाम ऑल ओवर पैकेजिंग मशीनरी है। और हम ये पफ, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, ये सब के प्लांट बनाते हैं। इसके अलावा भी अपने पास पैकिंग मशीन की काफ़ी सारी मशीनें हैं। इसके अलावा भी आपको पैकिंग किट टाइप पे जो भी आपको करना है, प्रोडक्ट पैक करना है, उसकी भी मशीनें हम बनाते हैं। अच्छा जी, और आपके यहाँ जो मशीन कोई आपसे बाय करता है तो आप उनको कोई वारंटी गारंटी कुछ देते हैं ऐसा? उसमें 1 साल की हम वारंटी देते हैं, 1 साल तक हम सर्विस देते हैं। उस सर्विस का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा 1 साल तक। अच्छा, 1 साल होने के बाद में आपको केवल लड़का जो जाएगा हमारा वहाँ आपके यहाँ इंस्टॉल करने या चालू करने, उसका आपको केवल किराया भाड़ा जो रहने का, खाने का, खाने पीने का, वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बाकी सर्विस हमारी तरफ से लड़का फ्री रहता है। बिल्कुल, अगर कोई शुरू शुरू में ये बिजनेस करता है तो उसको मशीन ऑपरेट करने में दिक्कत आती है, तो उसमें आप थोड़ा हेल्प करते हैं? उसमें क्या है कि हम शुरू में जब मशीन देते हैं तो 10 दिन के लिए लड़का हम भेजते हैं वहाँ अपना बंदा इंस्टॉलमेंट के लिए। वहाँ इंस्टॉल करता है, 10 दिन रहता है वहाँ, प्रोडक्शन करके दिखाता है। जो पार्टी कहती है, जो माल उसको निकलवाना है जिस क्वालिटी का, वो निकाल के देते हैं। उसके बाद अगर उनको परमानेंट ऑपरेटर चाहिए, जैसे कुछ पार्टी की शिकायत रहती है कि हम मशीन नहीं चला पा रहे हैं, बिल्कुल, या कोई दिक्कत आ रही है, क्वालिटी नहीं बन पा रही है, तो हम क्या करते हैं कि एक ऑपरेटर उसको परमानेंट प्रोवाइड करा देते हैं। जी, जिसका खर्चा या सैलरी उन्हीं को देना होता है। जिसकी सैलरी पार्टी खुद देती है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं पैकेजिंग के लिए, जो यहाँ रखे हुए भी हैं पीछे पैक करने के लिए, तो इनको बनाना भी आप सिखाते हैं? जी हाँ, इसमें स्टार्टिंग में जब हमारा लड़का जाता है ना, तो वो आपको प्रोडक्ट निकाल के दिखाएगा। जैसे कि जो भी इससे लगभग 8-10 आइटम बन जाते हैं, और सारी की डाई हम देते हैं, उनकी डाई चेंज कर करके वो आपको दिखाएगा कि इससे रिंग निकलता है, इससे पफ निकलता है, और किस तरीके से कैसे ऑपरेट होती है। बिल्कुल, वो पूरा का पूरा गाइड करता है, उनको सिखाने की कोशिश करता है। अगर 10 दिन के अंदर वो सीख जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेटर उसको, उनको हम उनको परमानेंट प्रोवाइड करा देते हैं। जी, उस तरह की मशीन या प्लांट आप इनके यहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की स्क्रीन पर आप नंबर है, आप मशीन खरीद सकते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।